Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. एपिसोड की शुरुआत में मूम को दिखाया जाता है जो अकेला बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ पे एपिटोमा आ जाता है जो उसे देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि भूत जैसी भी कोई चीज होती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर उस लड़के का भूत मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? तो एपिटोमा हंसते हुए कहता है कि तुम बस अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम्हें इस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए कि ये सही है या नहीं। मुझे नहीं पता है कि तुम किससे मिले हो, क्योंकि ये तो सिर्फ तुम और तुम्हारा दिल ही तुम्हें बता सकता है ना? ये बोल वहाँ से चला जाता है। तो मूम कहता है कि मेरा दिल और मत वो पब में नजर आता है जहाँ नुक तो फोन में ही लगी होती है। तो वी उसे देख कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मैं ये देखने तो जरूर ही जाऊंगी। तो वी कहता है कि ऐसा क्या देख लिया तुमने? तो वो कहती है कि अपना फोन चेक करो, मैंने सुना है कि 22 नवंबर को टूटते तारों की हमें आसमान में बौछार देखने को मिलेगी, और अगर उनके सामने कोई भी विश मांगो तो वो जरूर पूरी होती है। इसलिए मैं तो उस दिन स्पेशली छुट्टी करके उसे देखने जाऊंगी और एक हैंडसम लड़की की विश मांगूंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। तभी वहाँ पे गेम आ जाता है जो उसे कहता है कि जो भी वहाँ जाएगा मैं उसकी सैलरी काट लूंगा, लेकिन अगर मैं वहाँ गया तो मैं ये विश मांगूंगा कि ये इंसान अपने एक्स को भूलकर मुझसे भी थोड़ा बहुत प्यार कर ले। तभी वो कहता है मूम शो का टाइम हो गया है। तो उसे देख वी कहता है कि गेम लगता नहीं है कि मूम आज परफॉर्म करने के लिए रेडी है, देखो तो जरा कितना बीमार लग रहा है। तो कहता है कि तुम चिंता मत करो, इतने में उसे कुछ नहीं होने, स्ट्रॉन्ग ब्रो है। तभी अचानक मूम देख वी कहता है कि गेम आज मूम सिर्फ एक ही गाना गाएगा। तो कहता है कि हाँ लगता तो यही है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ मूम बेड पे बैठा होता है। तभी उसे पहले की कुछ बातें याद आती है, तो मेडिसिन लेकर सोने के लिए लेट जाता है। अचानक उसे नींद आ जाती है और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो उठता है वो ड्यू को अपने सामने पाता है। तो मूम को देखकर वो कहता है कि मेरा नाम ड्यू है। तो ये सुनवा कहता है कि अच्छा, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए सिर्फ बेबी बॉय ही कहकर बुलाने वाला हूँ। तो वो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही बेबी बॉय बनकर रहना चाहूँगा। तो ये सुन मूम कहता है कि यानी कि तुम हमेशा ही भूत बनकर मेरा शिकार करते रहोगे? तो डीव कहता है कि क्या, हॉन्टेड घोस्ट? तो वो कहता है कि हाँ तुम मेरे रूम के घोस्ट हो ना। तो वो हंसते हुए कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो मेरा रूम है, तुम अपने आप ही मेरे पास आए हो। तो ये सुन वो आसपास की चीजों को देखने लगता है और बाहर जाते हुए कहता है कि ये तो मेरे यहाँ का आउटसाइड व्यू है और ये रूम नंबर। वो कहता है कि ये रूम नंबर 609 है। ऐसा तब होता है जब मैं बेड पे होता हूँ। तो मूम कहता है कि हम तो कल भी मिले थे ना, तो कल क्या तारीख थी? तो कहता है कल तो 21 तारीख थी। तो ये सुन मूम कहता है कि यानी कि आज 22 नवंबर है, लेकिन मेरे यहाँ तो कल 7 तारीख थी। इसका मतलब कि हम बिल्कुल एक सीरीज के फ्लैशबैक की तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ शायद तुम सच कह रहे हो, क्योंकि पिछली बार जब तुम मुझे मिले थे तुमने मेरा नाम भी पुकारा था और मुझसे ढेर सारी बात भी की थी, लेकिन अगले ही दिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि आखिर पहले क्या हुआ था। तो कहता है यानी कि तुम्हें भी याद नहीं है कि जब हम पहले मिले थे तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो ड्यू कहता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था? तो कहता है कि कुछ नहीं। तभी ड्यू को किसी का मैसेज आता है तो वो फोन चेक करने लगता है। इधर मूम चुपके से मैसेज देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ड्यू से कहता है किसी दिन तो मैं काम कर करके ही मर जाऊंगा, वैसे तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये बोल वो किचन में चला जाता है। तो मूम भी उसके पीछे पीछे जाता है और वहाँ एक डोर को ओपन करने लगता है। तो ये देख ड्यू से रोकते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं रूम में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, चलो बाहर चलते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि कोई किंतु परंतु नहीं, मुझ पे विश्वास करो, चलो। ये बोल वो बाहर छत पे आते हुए कहता है कि ये देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तुम तो ऐसे ही डर रहे थे, वैसे आज 22 नवंबर है ना? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम चाहते क्या हो? तो मूम कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ आसपास की चीजों को देखना चाहता था कि यहाँ मेरे वर्ल्ड से कुछ अलग तो नहीं है ना। तो ये सुंडी कहता है कि बताओ फिर क्या कुछ ऐसा भी है जो तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं है? तो मूम कहता है कि हाँ है ना, तुम मेरे वर्ल्ड में ड्यू नाम का कोई नहीं है, मैं भी तुम्हारी दुनिया में जाना चाहूंगा। तो वो कहता है कि क्या सच में, क्यों?
तो कहता है कि लगता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, लेकिन रूम में आते हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ। तो मम कहता है, क्या आखिर तुम्हें किस चीज़ का डर है? तो कहता है कि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं तुम गायब ना हो जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो। तो ये सुन मम कहता है कि तुम जिंदगी को ऐसे जीते हो मानो कि कल नाम का कोई चीज़ ही ना हो तुम्हारी लाइफ में। तो वो कहता है कि क्या? तो मम कहता है कि ये मेरी बहन का डायलॉग होता है जब भी वो मुझे डांटा करती है, देखो आसमान की तरफ टूटते तारे को। यानी कि वो बिल्कुल सही था, क्या ये सुंदर है? तो डीव कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक मैंने इतने सुंदर टूटते हुए तारे को इतने पास से नहीं देखा है। तो ईश्वर कहता है कि डीव जल्दी करो और एक विश मांगो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन तारों से जो भी विश मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो ये सुन डीव हंसने लगता है। तो मम कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन वो वापस चुपचाप अपनी विश मांगने में लग जाता है। तो उसे देख मम भी विश मांगने लगता है। तभी वो उससे कहता है कि कुछ देर पहले मम बिल्कुल एक दयालु भालू की तरह लग रहा था। तो ये सुन मम कहता है क्या, लेकिन वो वापस चुपचाप अपनी विश मांगने लगता है। थोड़ी देर बाद डीव उससे कहता है कि तुमने क्या विश मांगी है? तो वो कहता है कि मैंने ये विश मांगी है कि तुम बिल्कुल सेफ रहो। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों? तो मम कहता है कि क्या तुम्हें पता है जब हम पहली बार मिले थे तो किसी ने तुम्हें मेरे सामने शूट कर दिया था, लेकिन जब मैं अगले दिन तुमसे मिला तो तुम जिंदा थे, लेकिन तुम्हारे शर्ट में ब्लड के निशान थे। नहीं, तुम्हारे किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? तो है कि इसका मतलब कि मैं अगले दो दिन के अंदर मर सकता है। तो करो चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मुझे ये कहानी थोड़ी अजीब है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब है हम दोनों का मिलना। तो ये सुन रही हूँ कहता है, लेकिन मैं तो हार गया अपनी इस जिंदगी से। तो कहता है कि नहीं, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो। हो सकता है कि फ्लैशबैक की तरह ही हम एक सीरीज के रूप में मिल रहे हों। मैं तुम्हारे पास से भी जुड़ा हो सकता हूँ। हो सकता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर ही चेंज कर दूँ। इसलिए तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें कौन नुकसान पहुँचाना चाहता है? इधर मुम की दोस्तों को दिखाया जाता है जिसमें गेम कहता है कि आखिर ये अपना कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। तो मिंट कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है और तुम्हारा कॉल भी नहीं उठा रहा है। तो वी कहता है कि मिंट तुम शांत हो जाओ, अभी हमें सबसे पहले मुम को ढूंढना चाहिए। इधर मुम कहता है कि जैसे कि तुमने बताया वो जैक है जिसने तुम्हारी जिंदगी में तहलका मचा रखा है। उसने अपने ही फैमिली को धोखा दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारे बिजनेस में भी उसने दखल देने की कोशिश की है। तभी मैं सोचूं कि आखिर तुम्हें कौन मानना चाहेगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उससे लड़ना चाहिए। तो कहता है कि हाँ ठीक है। तो मुम कहता है कि मान लो ये सारी बिल्डिंग तुम्हारे दुश्मन है, चलो अब जल्दी करो और इन्हें डांटना शुरू करो। माना मत करो और इन्हें डांटना शुरू करो। थोड़ी देर बाद गेम कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये अपने रूम में ही होगा, देखो तो जरा कैसे डोगी की तरह ये चैन की नींद ले रहा है। इधर डी उन्हें डांटते हुए कहता है कि तुम सभी कमीने हो। तो ये सुन मम कहता है कि अरे मैंने तुम्हें उन्हें डांटने के लिए कहा है। तो कहता है कि वही तो मैंने किया ना अभी। तो मम कहता है कि अच्छा तुम मेरे पीछे पीछे दोहराओ। ये बोलते हुए वह कहता है कि सालो तुम सभी नर्क में जाओ, चलो डांटो। तो ये देख डीव कहता है कि तुम सभी नर्क में जाओ। तो वह कहता है कि और तेज। तो डीव कहता है कि तुम सभी मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये बोल वो हंसने लगता है। तो मम कहता है कि हाँ इसी तरह ही, अब चलो सामने देखो और कहो। तो डकर कहता है कि आखिर इतनी रात को यहाँ पे कौन चिल्ला रहा है? तो डीव मम से कहता है कि ध्यान से वरना वो हमें देख लेगा। तो कहता है कि लगता तो नहीं है कि वो मुझे देख पाएगा। ये बोल वो उस बॉडीगार्ड के सामने आ जाता है, लेकिन उसे तो मम नजर ही नहीं आ रहा होता है। तो ये देख मम डीव से कहता है कि क्या कहा, गार्ड के पास आता है और उसे परेशान करने लगता है। तो ये देख वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पे कोई भूत है। भूत महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये बोल वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख मम हंसने लगता है और कहता है कि डीव बाहर आ जाओ, देखो वो यहाँ अलावा यहाँ पे कोई नहीं देख सकता है। ये बोल वो सीधा छत की रेल पे बैठ जाता है। तो ये देख डीव से कहता है कि नीचे आ जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो मम कहता है कि अरे इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, देखो मैं तुम्हें इसके ऊपर चल के बताता हूँ। ये बोलो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नीचे गिर जाता है। तो ये देख डी उसका नाम पुकारते हुए कहता है कि मम। ये भी एपिसोड खत्म हो जाता है। होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो कि आपके लिए जल्द ही अपलोड किया जाएगा।